भी बोलेगा वो सबका सब बुलवाया जाएगा, वो बोलेगा नहीं वो बुलवाया जाएगा। मैं पहले बता दूँ हमें उस पर कान नहीं धरने, हमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके बताना है। वो जो पर्चियाँ निकाल निकाल के बदमाश पैसे का रोब, पैसा 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 दुनिया में रह जाना बगैर तो पैसा दुनिया में रह जाएगा तुम लोगों का। डीजी आईएसआई ने कहा कि अर्शद शेख साहब आज महफूज थे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, आप क्या कहती हैं कि वो सफाई सफाइयां वो याद रखिएगा जो हक पर होगा ना वो हमेशा बोलेगा हाँ ये ना, हाँ ये ना, सफाइयां चोर पेश करते हैं याद रखिएगा। अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जाते जाते, ये बताइए कि एक सेकंड ये बताइए कि आज इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इमरान खान की जान को भी शदीद खतरात है और वो अकेला तन तनहा देखें तमाम ताकतों के सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है, अब क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी कौम को अब इससे बढ़कर और क्या करना चाहिए? जहाँ इमरान खान कॉल देते हैं, जहाँ वो बात करते हैं, ऐसे लगता है कि सारा पाकिस्तान वहाँ उमड़ आता है, तो अब इमरान खान की जान को भी खुदा न खास्ता बोले शदीद खतरात हैं, अब उनके लिए क्या कोई मशवरा देती हैं, आवाम के लिए क्या मशवरा देती हैं? हमारी रेड लाइन इमरान खान थे और हमें नहीं पता था कि इमरान खान की रेड लाइन अर्शद शरीफ शहीद, ठीक है। इमरान खान की जान को खतरा है या नहीं है कल फैसल बावड़ा में बेसिकली वही बताया गया है कि हम तुम्हें मरवा देंगे। मैं तो बहुत खुल के बोलूँगी ये बेसिकली इनडायरेक्टली, और हम डायरेक्टली बोल रहे हैं मार के दिखा, मेरे रब के हाथ में 5-6 दफ़ा कोशिश हो चुकी है, कभी पायलट की तबीयत ख़राब हुई, कभी चलता जहाज़ में फनी ख़राबी हुई उतरे, लेकिन रब मेरा खान को हमारी जिंदगियां लगाएगा, खान को हमारी जिंदगियां लगाएगा। और जो जो कल 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 बेसिकली इमरान खान के लिए मैसेज था वाडा की तरफ से, वाडा को आगे रख के इमरान खान को मैसेज दिया गया और वो पहले ही कह चुके हैं हम इस गुलामी से मरना बेहतर समझते हैं। बेशक अल्लाह पाक अगर गुलामी में रहना है तो हम सबको शहादत नसीब करे। आमीन आमीन। शुक्रिया।
गद्दार पता है सबको लगे रहो साथ चलेगा साथ चलेगा क्या La ilaha illallah. La ilaha illallah.